ये देखो भाई, आपको पीछे बैक जाके देख लेना, और बोनट गाड़ी का, और अब देखो बोनट गाड़ी का भाई, बहुत ही फर्क है। अब शाइन ही देख लो कितनी आ गई है। ये देख लो बिल्कुल परफेक्टली, इसका पहले ये पार्ट बिठाया जाएगा, उसके बाद इसके अंदर कर्व बहुत है, ये वाला ये कर्व है, उसके बाद दूसरा कर्व आपका ये आ जाता है। ये दोनों बिल्कुल परफेक्टली बिठाए जाएंगे अच्छी तरीके से। तो अब पूरी गाड़ी होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पीपीएफ। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो आप, ये पीछे का डोर पे चढ़ चुका है। अब आप देख सकते हैं पीछे के डोर पे चढ़ चुका है, बिल्कुल परफेक्टली बैठा हुआ है। बीडिंग साइड आप देख सकते हैं पूरी, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है भाई, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब पूरी गाड़ी होती है तो उसके बाद आपको दिखाते हैं बैक डोर, वो भी चढ़ रहा है अभी। तो भाइयों आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट पीपीएफ होते हुए। आप देख लिए, एक भी रिंकल वगैरह नहीं आ रहा है, एक भी बबल नहीं आ रहा है, जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा। तो आप अब देख सकते हैं, ये तो थोड़ी ऊपर वाइट वाइट देख रही है, डस्ट है, थोड़ा हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उसको भाई मत बोलना कि क्या बोलते हैं वो आ रखा है बबल वगैरह, बिल्कुल परफेक्टली आप देख सकते हैं भाई। आप पीछे से देख सकते हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम, मैं आपको पूरा बारीकी से दिखाता हूँ। और भाई गाड़ी में पूरी ग्लॉस देख रहे हो, मतलब गाड़ी लग रही है, मतलब भाई मज़ा आ गया देख के। आप ये पूरा पार्ट देखिए, कर्व्स वगैरह सारे अच्छे तरीके से टक करे गए हैं, कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। रूफ़ आपको दिखा देता हूँ थोड़ा डार्क करके, रूफ़ आप देख सकते हैं, ये सनरूफ के साथ है। तो रूफ के ऊपर तो नहीं लगती ना, शीशे के ऊपर तो पीपीएफ नहीं लगेगी, पीपीएफ लगते थे ना ब्लर हो जाता है, आप नीचे देखेंगे तो आपको धुंधला अच्छा, दिखाई देगा, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई अब दूसरी गाड़ी भाई करने हैं, ये आपके वरना खड़ी है। ठीक है, तो अभी हमारा मेन ध्यान है क्रेटा पे, ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, आपको थोड़ा ब्राइटनेस करके दिखाता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट आ रखा है, एक भी बबल नहीं है। ब्लैक में तो सबसे ज़्यादा बबल्स दिखते हैं, अगर थोड़े भी होंगे तो साफ क्लियर दिख जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे सारा डस्ट है ये तो। ठीक है, और मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ, पूरी चमकती धमकती देख सकते हो पूरा भाई, बिल्कुल कांच बना दिया भाई, बिल्कुल आपने शीशा बना दिया यार इसको पूरा भाई। ऊपर का देखो ये चीज, नीचे आ रही है क्लैरिटी के साथ, एक भी बबल नहीं दिख रहा, आप खुद देख लो। ठीक है, और ये जो थोड़ा बहुत डस्ट दिख रहा है वो थोड़ा कपड़े का ही डस्ट है, ये देख सकते हैं आप। पूरी गाड़ी दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखो भाई गाड़ी की शाइन ही अलग हो गई है पीपीएफ करने के बाद। और थोड़ा कर्व वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठे हुए हैं बम्पर वगैरह के भी। ये देखो पूरे जॉइंट आप देख रहे हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई आज हमारी गाड़ी जो मैंने को भी पसंद है वो क्रेटा, तो ये आज पूरी पीपीएफ हो गई है भाई। कितनी देर लगी है इसको पूरे होने में? इसको पूरा होने में 5 घंटे लगे। 5 घंटे लग गए हैं? हाँ जी। तो भाई 5 घंटे इस क्रेटा को होने में लगे हैं, ये तो थोड़े कम लगे हैं, वैसे 6-7 घंटे लग जाते हैं, आपने मैंने अभी इससे पहले भी बताया था। तो भाई एक चीज़ बताओ, इसके प्राइस वगैरह का क्या सीन रहेगा, क्या कितना प्राइस हुआ है? प्राइस चलो रुको रुको, ऐसा करते हैं इस बार प्राइस हम नहीं बताते भाई, क्योंकि कमेंट में लोग कहते हैं कि कोई कोई लोग कहते हैं कि भाई प्राइस ठीक है, कोई कोई कहते हैं कि भाई इतने में तो 3 बारी गाड़ी पेंट हो जाए। तो भाई इस बार हम प्राइस बताते ही नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, भाई नंबर बोलेंगे। अगर किसी को अपनी गाड़ी करानी है जेन्युइनली तो फिर भाई कॉल करें और उनसे प्राइस लें, और बेस्ट टू बेस्ट प्राइस मिलेगा, इतनी गारंटी ले रहा हूँ भाई से। मैंने भी 3 गाड़ियाँ कराई है, 3 गाड़ी होने के बाद मेरा ट्रस्ट इनसे बना है, उसके बाद मैं इनके साथ जो हो रहा है वीडियो बन रही है मेरी, नहीं तो मैं ऐसे किसी के साथ वीडियो नहीं बनाता जब तक मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबरों के साथ कुछ दिक्कत आएगी तो भाई मेरे को भी बुरा लगेगा। मैं ऐसे काम नहीं करने वाला जिसमें हम मेरे सब्सक्राइबरों को पागल बनाया जाए। तो भाई यहाँ पे अभी मैं आपको कोई प्राइस वगैरह नहीं बताऊँगा,
ठीक है, आपको गाड़ी आपने अच्छे से देख ली है कि बिल्कुल परफेक्टली हो रखी है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा बबल्स दिखाई देते हैं, और मैंने आपको बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर एच टू एच दिखाया है कि कहीं पे भी बबल नहीं आया है। एक दो जगह निशान है जो ड्राई मतलब नेचुरल हीट से हटेगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है, नेचुरल हीट से हटेगा, वो दो दिन के अंदर टाइम लेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई गाड़ी पे पीपीएफ हो ही नहीं रखी, इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी लग रही है। मतलब अब भी मैंने सुबह गाड़ी देखी थी भाई, इतनी ग्लॉस नहीं थी जितनी अब पीपीएफ के बाद आ रही है, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, ऐसा पागल वागल नहीं बना रहा पीपीएफ करने के बाद न्यू गाड़ी से भी ज़्यादा ग्लॉस। हाँ, तो